उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी मार्च अप्रैल ये तीनों देख सकते हैं ग्राफ अच्छा खासा 3.5 लाख फरवरी में आया, 7 लाख मार्च में आया और अप्रैल में 1 मिलियन मतलब 11 लाख समझ सकते हो 1.1 मिलियन व्यू आया। कैसे दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के साथ में। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा सेकंड पेमेंट, जी हाँ दोस्तों मेरा सेकंड पेमेंट आ चुका है। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरा सेकंड पेमेंट आ चुका है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि कितना मेरा पेमेंट आया। मैं सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देख रहे हो इस मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 9 बज रहा है और मैं अभी पार्क में बैठा हूँ। यहाँ पर देख रहे हो पार्क है, ये पूरा खाली खाली से पार्क दिख रहा है। ये पार्क में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं आपको इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर आज को दिखाने वाला, क्योंकि अगले वीडियो मैंने जब फर्स्ट पेमेंट वाला बनाया था ना, तो आप लोग ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि भाई तुमने पैसे नहीं दिखाए कि कितना पैसे आया है। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट किए थे, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कितना पैसे आया। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, डॉलर में आया है और उसको मैं इंडियन रुपीज़ में भी आपको करके दिखाऊंगा कितना रुपया आया है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों YTS स्टूडियो ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने YTS स्टूडियो खोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा, मैं आपको आज क्लियर बताने वाला हूँ। आप लोग वो कमेंट कर रहे थे ना कि कितना पैसा है, कितना पैसा है, वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर देखते हैं सब्सक्राइब, देखो व्यू पे दिखाता हूँ कि कितना इसमें ने कितना मतलब चैनल पे व्यू आया। वो सारी चीज़ें आपको अप्रैल पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि अप्रैल ख़त्म हुआ ना, अभी मई चालू हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 9,95,000, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 9,95,000 पूरा टोटल व्यू आया चैनल पे। और ये चैनल मेरा कैसे कैसे ग्रो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको ये जो ग्राफ के नीचे देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये 4 महीने है ना बिल्कुल व्यू ही नहीं है, बिल्कुल चैनल में गिर गया था पूरी तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि मैं उस टाइम गाँव गया था दुर्गा पूजा में, वहाँ पर अच्छे से पूरा वीडियो मैंने डाला भी, सही से डाला भी नहीं था वीडियो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इफेक्ट कुछ आया था चैनल पे। उसके बाद जैसे मैंने फिर मुंबई आया हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी मार्च अप्रैल ये तीनों देख सकते ग्राफ अच्छा खासा 3.5 लाख फरवरी में आया, 7 लाख मार्च में आया और अप्रैल में 1 मिलियन मतलब 11 लाख समझ सकते हो 1.1 मिलियन व्यू आया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते फरवरी मार्च अप्रैल ये तीनों देख सकते ग्राफ अच्छा खासा 3.5 लाख फरवरी में आया, 7 लाख मार्च में आया और अप्रैल में 1 मिलियन मतलब 11 लाख समझ सकते हो 1.1 मिलियन व्यू आया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वॉच टाइम, ये वॉच टाइम मुझे मिला है 20,000, देख सकते हो वॉच टाइम मुझे मिला है इस महीने में 22,000 आया था, उसके बाद मार्च में 15,000 आया था और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फरवरी में 7,500 वॉच टाइम आया था। और यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा टॉप वीडियो चला था, वो सारी चीज़ें वीडियो भी यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों आपको, मैं दिखा रहा हूँ। और आपको यहाँ पे देख सकते हो ये सब्सक्राइबर का यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे सब्सक्राइबर भी अच्छा खासा बढ़ा था। यहाँ पे देख सकते हो ये अप्रैल में 2000 सब्सक्राइबर भी आया, मतलब नए नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और यहाँ पे देख सकते हो 1200 मार्च में आया था, 600 फरवरी में आया था, मतलब जैसे जैसे चैनल ग्रो हुआ जिस हिसाब से चल रहा था उस हिसाब से ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको रेवेन्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा ये रेवेन्यू है पूरे, देख सकते हो यहाँ पर आपको $279 देख सकते हो दोस्तों $279 है। अब इसको मैं आपको $279 को मैं अब दिखाता हूँ कि कितने रुपया हुआ है, वो मैं इंडियन रुपीज में मैं आपको दिखा। और मैं यहाँ पे सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ कि $1 का दाम अभी कितना चल रहा है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ $1 इंडियन प्राइस में कितना है, तो अभी 81.67 रुपया है, देख सकते हैं यहाँ पे $1 का दाम है $81.67। ये देखो 81.67 ये डॉलर का प्राइस था। उसके बाद मेरा जो पूरा जो डॉलर आया था वो आया था $279.88, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन में रुपीज़ में 22,857 रुपया, ये पूरा देख सकते हो ये जो इस महीने का जो मेरा रेवेन्यू है पूरा। स्टूडियो ओपन करके दिखाया आपको कि कितना रेवेन्यू आया है मेरा अप्रैल महीने में, तो मेरा 22,857 रुपया, यानी कि आप समझ सकते हो 23,000 रुपया आया है। आप तो आप कमेंट करके नहीं पूछोगे ना कि कितना रुपया आया है। मैं आपको दिखाया, एक मोटिवेशन आता है अंदर से ना, कुछ करने के वो आते हैं, हम भी कर सकते हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मुंबई दिल्ली में यानी काम करो, उसके बाद आपको 10,000-15,000 रुपये कंटिन्यू काम करना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। लेकिन यहाँ से 2-3 घंटे, 4 घंटे में पार्ट टाइम ही काम करता हूँ तो अच्छे खासे रेवेन्यू आ जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी भाई लोग अभी तक नहीं किए वो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय दोस्तों।